गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोविजन फॉर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन को समझा था और अब इस लेक्चर के अंदर हम बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बेनामी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। बेनामी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसके तीन एलिमेंट हैं। सबसे पहला वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तीसरा ये कि यदि बेनामी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है तो उसकी जो प्रोसीड्स हैं उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। ऐसा करने का ये कारण ये था कि लोग जैसे ही कोई एक्शन चालू होता था बेनामी प्रॉपर्टी का तो सरकार को ये डर था कि लोग उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, उस पैसे को मिलेगा, उसको दूसरे कामों में लगा देंगे, तो इसीलिए एज ए सेफगार्ड इस चीज को लगा दिया गया है सेक्शन के अंदर कि जो बेनामी प्रॉपर्टी की प्रोसीड्स हैं उसको भी बेनामी प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो यदि हम सेक्शन को पढ़ें बेनामी प्रॉपर्टी के, तो बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब है, बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ कि अभी जो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन को समझा, यदि कोई प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर है और उस प्रॉपर्टी की जो प्रोसीड्स हैं वो भी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, द बेनामी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। सेकेंडली द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। अब बात यह आती है कि जो डेफिनेशन है बेनामी प्रॉपर्टी की जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर दी गई है वो प्रॉपर्टी के नेचर को डिफाइन नहीं करती कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हमको प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में जाना है जिसके अंदर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 इज वास्ट इनफ टू एनकंपास ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वर्ड इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 के अंदर दी गई है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 जो है वो ये कहता है कि वो इतनी वाइड डेफिनेशन है कि उसके अंदर हर चीज को प्रॉपर्टी में कवर कर लिया गया है और बाकी जो चीज है वो बेनामी ट्रांजैक्शन में कवर कर ली गई है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनी वो बेनामी प्रॉपर्टी है। अब हमारे लिए जो जरूरी हो जाता है वो हो जाता है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को समझना। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 सेज दैट प्रॉपर्टी डिफाइंस एज एसेट ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, इसके अंदर एनी राइट और इंटरेस्ट इन एनी लीगल डॉक्यूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सम फॉर्म देन द प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म एंड आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी ये कहा गया है कि चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, मतलब बेनामी प्रॉपर्टी से ऐसा लगता है कि खाली ये जो फिक्स प्रॉपर्टी है उसके लिए है, लेकिन यदि आपने कोई कार भी खरीदी है, मोबाइल फोन भी खरीदा है, यदि आपने कोई घड़ी भी खरीदी है, तो
तो वो सब प्रॉपर्टी की या बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। डिमोनेटाइजेशन के टाइम के अंदर जो कैश सर्वेंट्स के नाम में, जो घर की मेट्स हैं उनके नाम में जमा किया गया, वो सब भी बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होता है। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो इन ए वेरी लैंडमार्क केस रुस्तम कवाजी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिफाइंड प्रॉपर्टी एज अंडर इन इट्स नॉर्मल कनोटेशन प्रॉपर्टी मीन्स द हाइएस्ट राइट ए मैन कैन हैव टू एनीथिंग और बीइंग दैट राइट विच वन हैज टू लैंड्स और टेनिमेंट्स गुड्स और चैटल्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी का किसी भी चीज के अंदर जो राइट है वो भी प्रॉपर्टी कहलाता है। द डेफिनेशन इज वाइड एंड सीम्स टू इंक्लूड इवन फॉरेन एसेट्स, इवन फॉरेन प्रॉपर्टी। यदि हम देखें तो कहीं पे भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में या बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉरेन एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट डज नॉट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फॉरेन एसेट्स, वो असेट कहां पे है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जब बजट स्पीच चल रही थी तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि जो फॉरेन एसेट्स हैं क्या उसके ऊपर बेनामी लगेगा या नहीं लगेगा, तो उनका ये कहना था कि जो फॉरेन एसेट्स हैं उनके ऊपर बेनामी एक्ट नहीं लगेगा, उसके अंदर ब्लैक मनी एक्ट लगेगा। ये बजट स्पीच के वक्त जो है वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब है उन्होंने ये बात कही थी। फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी, द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच हैज बीन गिवन इनटू द बेनामी एक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।